अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामने कराम, आप सबको हमारे YouTube चैनल में वेलकम करता हूँ। दोस्तों खुश आमदीद करता हूँ। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दुआ नंबर 32। दुआ नंबर 32 क्या है? किसी मंजिल पर उतरते वक्त पढ़ने की दुआ। जब आप कहीं सफ़र कर रहे हो, ठीक है, कहीं सफ़र कर रहे हो, तो जब आप उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे, उस मंजिल तक आप पहुंचेंगे, तो जब आप उतरेंगे, जैसे कि आप बस में सफ़र कर रहे हो, ठीक है, एक गांव से दूसरे गांव पहुंच गए, जा रहे हो, जब उस गांव पहुंच गए तो इस दुआ को आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी किसी मंजिल पर उतरते वक्त पढ़ने की दुआ। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ठीक है, मिसाल देता हूं। जैसे कि आप बस से सफ़र करके कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, ठीक है, बस से सफ़र करके कहीं दूसरी जगह आप जा रहे हो, ठीक है, तो जब बस से उतरेंगे, वो दूसरे अलग मंजिल है, आप जहाँ से आ रहे हो वो एक मंजिल है, और जहाँ आप पहुँच गए हो वो एक मंजिल है, ठीक है, वो एक ठिकाना है। तो जब आप उस मंजिल पे उतरेंगे तो कौन सी दुआ आपको पढ़ना है, इस वीडियो में आज हम सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आप शुरू से लेकर के आखिर तक देखिए, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ नंबर 32 क्या है? किसी मंजिल पर उतरते वक्त पढ़ने की दुआ। किसी मंजिल पर उतरते वक्त पढ़ने की दुआ। आप भी मेरे साथ पढ़िए। दुआ नंबर 32। किसी मंजिल पर उतरते वक्त पढ़ने की दुआ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती। मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती मिन शर्री मा खलक जो है ना, तो आप मा खलक भी पढ़ सकते हो, कफ को साकिन भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए क्या है दुआ नंबर 32। किसी मंजिल पर उतरते वक्त पढ़ने की दुआ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती मिन शर्री मा खलक। दुआ नंबर 32। मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। दुआ नंबर 32। किसी मंजिल पर उतरते वक्त पढ़ने की दुआ। दुआ नंबर 32। किसी मंजिल पर उतरते वक्त पढ़ने की दुआ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती मिन शर्री मा खलक। इसका तर्जमा भी आप देख लीजिए। मैं अल्लाह की कामिल कलाम की बरकत से उसकी तमाम मखलूक के शर से पनाह मांगता हूँ। किसकी? अल्लाह की तमाम मखलूक के शर से, यानी शर का मतलब बुराई है, बुराई से क्या करता हूँ, पनाह मांगता हूँ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि तामाती मिन शर्रि मा खलक। मैं अल्लाह के कामिल कलाम की बरकत से उसकी तमाम मखलूक के शर से पनाह मांगता हूँ। ठीक, कितना अच्छी दुआ है। तो जब आप क्या करेंगे, जब किसी दूसरी मंजिल तक पहुंचेंगे, जब उतरेंगे, तो क्या करेंगे, इस दुआ को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो इस दुआ को क्या है, आप याद कर लीजिए, ठीक है, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में अगर आप नए आए हो तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे, तब तक अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।